क्लास 8 रंजनी तृतीय उपाग अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसका अर्थ समझा था हमने। इस पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट में देखिए, आपको शब्दों का उच्चारण करना है। इसमें अधोलिखिता नाम शब्दान उच्चारणम कुरुत, इनका आपको उच्चारण करना है, प्रोनंसिएशन करना है। देखिए, कुंदेन्दुः शुभ्र वस्त्रावृता पद्मासना ब्रह्मा शंकर प्रभृति ही निःशेष जाड़्यापहा आद्याम अंधकारपहाम स्फटिक मालिकाम संस्थिताम। ये है आपके उच्चारण करने वाले शब्द, इनको आप एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, आपको इसमें दे रखा है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन वदत। इसमें आपको लिखा हुआ बोलने के लिए, बट आपको इसमें राइट डाउन करना है कुंदेंदु तुषार हार धवला का, मतलब कुंद और पुष्प के समान, बर्फ के समान किसने सफेद हार को धारण कर रखा है, तो सरस्वती। इसका आंसर होगा आपका सरस्वती। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सरस्वती कुत्र आसीना, सरस्वती कहाँ बैठी हुई है, तो कमल पर विराजमान है, तो पद्मासने। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती हस्ते किम विदधितम, सरस्वती ने हाथ में क्या धारण कर रखा है, तो स्फटिक नाम के मोतियों की माला धारण कर रखी है, तो इसका आंसर होगा स्फटिक मलिकाम। स्फटिक नाम के मोतियों की माला धारण कर रखी है। नेक्स्ट, कीदृशीम शारदाम वंदे, किस तरह की सरस्वती का नमस्कार करें हम, तो बुद्धि देने वाली, बुद्धि प्रदान। बुद्धि प्रदान शारदाम वंदे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, सरस्वती ही केन वस्त्रेण आवृता, सरस्वती ने कैसे वस्त्रों को आवृत कर रखा है, पहन रखा है, तो सरस्वती ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, सफेद, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत वस्त्रेण। कैसे वस्त्र, श्वेत वस्त्रेण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरस्वती के हे देवे हे वंदिता, सरस्वती को कौन कौन से देव नमस्कार करते हैं, तो सरस्वती माता को ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसका आंसर आपको यहां भी मिल सकता है, यह देखिए, ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृति देवे है, ये आपका सेकंड का आंसर है, ये अंडरलाइन कर रही हूं मैं यहाँ पर, ये पूरा आपका सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, शारदा कस्य अपहा, शारदा किसका हरण करती है, किस क्या हमसे दूर करती है, तो आलस्य को, तो इसका आंसर होगा आपका जाड्यस्य, जा ड य स्य, जाड्यस्य अपहा। नेक्स्ट देखिए, सरस्वत्याः हस्तयोः किं धारितम्, सरस्वती ने हाथ में क्या धारण कर रखा है, तो वीणा पुस्तकम और स्फटिक मालिकाम, वीणा पुस्तक और स्फटिक नाम के मोतियों की माला। च च हमेशा मैंने बताया था लास्ट में आता है, अगर हम हिंदी में लिखते तो फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड के बाद में यहाँ पर और आता और फिर आता, लेकिन संस्कृत में च हमेशा लास्ट में आता है। नेक्स्ट देखिए, का जगत व्यापिनी, जगत व्यापिनी कौन है, पूरे विश्व में कौन व्याप्त है, तो सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करती है, या डैश वर मंडित करा, तो या वीणा वर दंड मंडित करा। नेक्स्ट देवे है, ये आपको बुक में आपके उसमें जो पैराग्राफ है उसमें मिल जाएंगे, आपको आपको खुद सर्च करने हैं। नेक्स्ट देखिए, मंजूषातः पर्याय पदम चित्वा लिखत, इसमें पर्यायवाची शब्द आपको चुनकर लिखने हैं। इंदु, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा का आप देखिए इसमें से पर्यायवाची शब्द क्या है, शशि, तो यहाँ पर आ जाएगा शशि। नेक्स्ट देखिए, प्रभृति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, प्रभृति जो उसमें यूज हुआ था इस जगह पर, ये देखिए हमने आंसर में भी लिखा था ब्रह्मा विष्णु प्रभृति ही, ये मैंने यहाँ आपको नोट करवाया था, ब्रह्मा विष्णु च्युत शंकर प्रभृति, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवों के द्वारा वंदना की जाती है, तो प्रभृति का अर्थ होता है इत्यादि।
ये इत्यादि भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंधकार मतलब अंधेरा, अंधकार का एक और शब्द होता है तमह, ये देखिए यहाँ दे रखा है तमह। नेक्स्ट है पातु मतलब रक्षा करना, तो रक्षतु ये। नेक्स्ट देखिए निःशेष मतलब संपूर्ण सारा, तो इसका हो जाएगा संपूर्ण, यहाँ पर संपूर्ण आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, इसमें देखिए आपको संधि विच्छेद करने के लिए दे रखा है ब्रह्माच्युत मतलब ब्रह्मा प्लस अच्युत, ब्रह्मा और विष्णु, इसका हो जाएगा आपका पर्यायवाची ब्रह्मा प्लस अच्युत, ब्रह्मा प्लस विष्णु। नेक्स्ट देखिए कुंदेन्दु कुंद प्लस इंदु कुंदेन्दु। नेक्स्ट पद्मासना पद्म प्लस आसना, पद्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये द्य लिखा हुआ है, इसको आप सही कर देंगे प पद्म पद्मासना, द में म मिला हुआ है प द फिर म इस तरह से पद्मासना। नेक्स्ट देखिए परमाद्याम परम परमाम प्लस आद्याम, परमाम प्लस आद्या परमाद्या, विसर्ग नहीं आएगा यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे पीछे वाले जो शब्द लेंगे उसमें भी विसर्ग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए जाड़िया अंधकारम अपहाम, जाड़िया और अंधकार हमारा जो अलस्य रूपी अंधकार है उसे दूर करे, तो जाड़िया अंधकार प्लस अपहाम, इसमें तीन है, इसमें भी अगर हम चाहें तो संधि विच्छेद कर सकते हैं, अपहाम अलग जाड़िया अलग और अंधकार अलग, पर इसमें दो ही शब्दों में तोड़ना है, तो हम जाड़िया अंधकार अपहाम। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, नंबर वन चैप्टर। अब इसमें आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये वाले क्वेश्चंस जो है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदत, ये आपको कॉपी में करने हैं, ये भी आपको कॉपी में करने हैं, ये आप बुक में ही रखेंगे, ये भी आप बुक में ही रखेंगे, और ये वाला आपको जो नेक्स्ट पेज पर है संधि विच्छेद वाला, ये आपको कॉपी में लिखना है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर वन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर वन पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करेंगे।